कल हम क्या पढ़ रहे थे बच्चा जी, क्या पढ़ रहे थे बच्चा लोग, क्या पढ़ रहे थे कल बच्चा लोग? बेटा हम पढ़ रहे थे फ्लो चार्ट। क्या समझा था हमने फ्लो चार्ट के बारे में? मैं स्ट्रेट अवे टॉपिक पे आ जाता हूँ, बिकॉज 10 मिनट्स हैव गॉन बाय। तो हमारा समय बेटा निर्धारित है, 7 बजे हमें फिनिश करना है, तो फटाफट से टॉपिक पे आ जाते बेटा। हमारी ये वेब सीरीज बेटा वेबिनार आज है नंबर 9। कल हमने शुरू कर दिया था फ्लो चार्ट। क्या होता है बेटा फ्लो चार्ट? ये सीरीज शुरू हो चुकी है बेटा 15th of June से। इट इज विद द इंडियाज लीडिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म copykitab.com, जिसके 8 मिलियन कस्टमर्स है या स्टूडेंट्स है जो लगातार इससे डिजिटल बुक्स ई बुक कंटेंट खरीदते हैं। और अब सीए वर्टिकल में बत्रा सर इनके साथ लाए हैं ये सीरीज बेटा, सीए एजुकेशन, सीआईपीसीसी और सीए न्यू कोर्स के लिए। हमारे सारे वेबिनार आपको हमारे चैनल प्रोफेसर जीएस बत्रा या बत्रा सर पे यूट्यूब पे मिल जाएंगे बेटा। कल वाला जो था वो आज अपलोड हो रहा है और आज वाला कल अपलोड हो जाएगा। एक दिन हमें लगता है उसको एडिट करके अपलोड करने में। सो यू विल गेट ऑल द सीरीज 15 तारीख से लेके आज तक। दिस इज वेबिनार नंबर 9 फ्लो चार्ट का। कल से शुरू किया था हमने। सो व्हाट इज द फ्लो चार्ट बेटा? ए फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ऐसी बात है सर, बिल्कुल बेटा। इसमें कुछ सिंबल यूज हुए थे। आप में से अगर कुछ आज लोग नए हैं तो मुझे थोड़ा सा बता दें कौन कौन आज नया है, बाकी सब पुराने हैं क्या बेटा? आज कौन नया है पहली बार फ्लो चार्ट की क्लास में? अभिनव इज न्यू। ओके, मुझे पता चले ताकि फिर मैं उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को ओरिएंट करूं, क्योंकि हमें सब बच्चों को साथ लेके चलना है। और अब सभी बच्चों को बता देना अगले वीक भी फ्राइडे सैटरडे को फ्लो चार्ट ही है, जब तक हम तीनों कैटेगरी मैथमेटिकल बिजनेस एरे खत्म नहीं कर लेते। ओके, आस्था बंसल इज ऑल्सो न्यू। और कोई न्यू है तो भाई फटाफट बता दो। आकांक्षा इज ऑल्सो न्यू टू दिस क्लास टूडे। आप लोगों को बेटा कैसे पता चला इस क्लास के बारे में? हमने लिंक भेजा था उससे पता चला, या किसी फ्रेंड ने आपको बताया, या किसी और टेलीग्राम चैनल पे जहां हमने पोस्ट किया था वहां आपने इसे देखा? अभिनव कहता है हमें कॉल आया था। ओके, आस्था कह रहा है कॉल आया था, कॉपी किताब से कॉल आया था। ओके ओके, कॉपी किताब से कॉल आया था, बिल्कुल बेटा। तो आप हिंदुस्तान के सबसे लीडिंग डिजिटल बुक्स के प्लेटफॉर्म कॉपी किताब और बत्रा सर की ज्वाइंट होस्टिंग में आज की इस वेबिनार में है। हाँ, मैं सभी का स्वागत करता हूं बेटा। गुड इवनिंग एवरीबडी, सुस्वागतम एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। आधा बार जय वणक्कम। तो हम लेके आए बेटा फ्लो चार्ट की सीरीज, जिससे ओल्ड हो या न्यू कोर्स का बच्चा हो सीए का, उसको 6 से 8 नंबर का सवाल मिलने जा रहा है इस बार एग्जाम में। एक दो अटेम्प्ट से नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार जरूर पूछा जाएगा नवंबर 20 में बेटा। तो हम पढ़ रहे बेटा फ्लो चार्ट। क्या होता है बेटा फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे गूगल मैप पे हम जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो एक मैप बन जाता है, दैट इज अगेन ए फ्लो चार्ट। कैसे आप शॉर्टेस्ट रूट से, मीडियम को रूट से, लॉन्ग रूट से जा सकते हैं, वैसे ही बिजनेस की, मैथमेटिकल की, एरे की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनता है बेटा फ्लो चार्ट। इसमें कुल मिला के हम लोग 6 कैटेगरी के सिंबल देखते हैं और 3 कैटेगरी का फ्लो चार्ट देखेंगे। एक बार फिर से सभी लोग देखें बेटा 6 कैटेगरी के सिंबल क्या है। सबसे पहला सिंबल होता है बेटा स्टार्ट, स्टॉप एंड एंड। सबसे पहला सिंबल होता है बेटा स्टार्ट, स्टॉप और एंड। इसके लिए बनता है बेटा ओवल सिंबल, दो लाइनें बनाते हैं हम लोग और इस तरीके से हम लोग उसको बंद कर दिया करते हैं। दूसरा होता है इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड एंड आउटपुट ऑन टू द स्क्रीन। उसके लिए बेटा हम लोग पैरेललोग्राम का पैरेललोग्राम को बनाते हैं, दो पैरेलल लाइंस और ऑब्लिक में उसको जोड़ देते हैं। अगर आप प्रिंटेड आउटपुट चाहते हो तो बेटा ऐसा सिंबल बनाओगे आप। कैसा बनाओगे? बत्रा सर बता रहे हैं आपको, ये ऐसे और इसको ऐसे जोड़ेंगे प्रिंटेड आउटपुट पेपर के लिए बेटा। सर ये साइड में आपने क्या लिखा है सर, ये कुछ समझ में आ रहा नहीं है हमारे को। बेटा कल हमने कॉपी किताब के साथ में एक आप बच्चों के लिए जो नवंबर 20 में एग्जाम में जा रहे हैं और 21 में जा रहे हैं, बत्रा सर की पूरी क्लासेस नई फ्रेश रिकॉर्डिंग आपके लिए बेटा बहुत ही थ्रो अवे प्राइस पर रख दी है, क्योंकि पेंडेमिक टाइम है और हम हेल्प नहीं कर सकते, तो ये तो हेल्प कर दे। तो हमारे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर बेटा आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ओल्ड कोर्स या न्यू कोर्स हो। 1999 सारी बुक्स मिलेंगे आपको, सारे लेक्चर मिलेंगे। 120 आवर्स के बत्रा सर के लेक्चर कॉपी किताब दे रहा बेटा आपको, कितने पे? ओनली 1999 प्राइस पे, 2000 रुपए से कम। ओल्ड कोर्स, न्यू कोर्स, 120 घंटे का है बेटा करीब, और ओल्ड कोर्स करीब 90-100 आवर्स का है। आपको बुक्स मिलेंगे, आपको हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, आप कॉपी किताब के हमारे एक हेल्पलाइन नंबर हम दे देते हैं। बाकी श्री आर यू लिसनिंग में, अपना एक हेल्पलाइन नंबर आप बच्चों को बता दें जिस पे ये ऑर्डर बुक कर सकते हैं और फिर हमें इनको डिजिटली अवेलेबल करा देंगे। ये कंटेंट कॉपी किताब के प्लेटफॉर्म से आपको डिजिटली मिलेगा बेटा, सारे लेक्चर्स मिलेंगे आपको और सारी बुक्स मिलेंगे आपको। हमारी काफी सारी बुक्स है बेटा, आप हमारे बत्रा सर ऐप पे जाके देखिएगा। EIS की 5 बुक्स मिलती है बेटा। कौन सी 5 बुक्स मिलती है मैं बता दूंगा आपको। ये बुक आपको मिलेगी बेटा वहां पे EIS की।
ईएएस की कलरफुल बुक मिलेगी बेटा आपको, और क्या मिलेगा सर बताओ ना, ये मिलेगा बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कलरफुल बुक्स बेटा आपको, और क्या मिलेगा सर आपको, और मिलेगा आपको चार्ट बुक मिलेगी बेटा हमारी 60 पेजेस की चार्ट बुक मिलेगी आपको, और क्या मिलेंगे अमेंडमेंट नोट्स जो कि मई 20 के लिए आए थे बट एप्लीकेबल है नवंबर 20, इसमें से करीब 8 से 10 नंबर के सवाल आ जाएंगे, ये भी मिलेगा आपको, और ये फ्लो चार्ट जो पढ़ रहे हैं 24 पेजेस के जिसमें से एक सवाल आना ही है, इसके बियॉन्ड कभी नहीं आता है, वो भी मिलेगा आपको, और आपको मिलेगा हमारा हिट सीरीज क्या क्वेश्चन बैंक जिसमें से 60-70% क्वेश्चन न्यू कोर्स में और 90% क्वेश्चन ओल्ड कोर्स में पिक किए जाते हैं, और क्या मिलेगा आपको, और मिलेगा बेटा हमारी ये एमसीक्यू की बुक है ना, ये आपको मिलेगी बेटा न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स के लिए, ये भी मिलने जा रही है बेटा, ये भी मिलने जा रही है ओल्ड कोर्स के आपको, और साथ में मिलेंगे बेटा ओल्ड कोर्स के नोट्स, ओल्ड कोर्स के आईटीएसएम के नोट्स आपको मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम में भी मिलेंगे और बेटा आपको हिंदी मीडियम में भी मिलेंगे, हिंदी मीडियम में भी नोट्स मिलेंगे आपको ओल्ड कोर्स के, और बेटा उसका मिलेगा आपको क्वेश्चन बैंक यहाँ पे, और जिसमें से 90% सवाल हर बार पूछ लिए जाते हैं बत्रा सर के एक्सपीरियंस के साथ में, क्योंकि आपको पता है बेटा बत्रा सर पढ़ा रहे हैं सीए कोर्स को पिछले 31 ईयर से और 62 सीए एग्जाम अटेम्प्ट से, तो पेंडेमिक टाइम में आपको हेल्प करने के लिए कॉपी किताब ने हमें कहा सर बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, तो बत्रा सर ने कॉपी किताब के कहने में बेटा अपनी प्राइसेस को घटा दिया है, आपको मालूम है बेटा हमारी पेन ड्राइव 8-10,000 रुपीस में मार्केट में अवेलेबल है, पर हम कॉपी किताब प्लेटफॉर्म पे आपको दे रहे हैं बेटा 1999 पे 1,999 रुपए पे बत्रा सर की फ्रेश रिकॉर्डिंग्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, ओल्ड कोर्स एंड न्यू कोर्स अलोंग विद ऑल द मटेरियल। एक हेल्पलाइन नंबर हम जारी कर देते हैं बेटा कॉपी किताब से, आप वहां ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, विद इन 24 आवर्स आपको सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी, सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हो जाएगा। बताओ इस बात को आपको कैसा लगा, मुझे जल्दी से बेटा अगर आपको पसंद आया तो थंब दे दे मुझे। ये फाउंडेशन के लिए नहीं है बेटा, ये इंटरमीडिएट के लिए है, ओल्ड कोर्स एंड न्यू कोर्स अभिनव, इट इज फॉर न्यू कोर्स, ओल्ड कोर्स एंड न्यू कोर्स फॉर सीए इंटरमीडिएट, इट इज नॉट फॉर द फाउंडेशन, फाउंडेशन के लिए नहीं है। सुहाना पूछ रही है कौन सा सब्जेक्ट, पेपर नंबर सेवन EISSM एंड ओल्ड कोर्स का पेपर ITSM, ये बेटा CA इंटरमीडिएट के लिए है, पेपर नंबर सेवन न्यू कोर्स में इसका नाम है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और ओल्ड कोर्स में इसका नाम है ITSM, बत्रा सर उसको पढ़ा रहे हैं 31 सालों से, वही आपको रिकॉर्डिंग्स बेटा हम देने जा रहे हैं कॉपी किताब से, इट इज फॉर CA इंटरमीडिएट पेपर सेवन ओनली। क्लियर है सबको, समझ में आ गई बत्रा सर की बात आप सभी को, चलो बेटा आ जाओ फटाफट हम बात करते हैं, हम फ्लोचार्ट पढ़ रहे हैं। सर फ्लोचार्ट में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, हम पढ़ा रहे हैं बेटा आपको फ्लोचार्ट के सिंबल को, पहला सिंबल है स्टार्ट स्टॉप और एंड, जो कि बनता है बेटा किसके ऊपर, जो कि बना करता है ओवल शेप में, ठीक है। हमारी कॉपी किताब की टीम ने बेटा आपको हमारे ऐप की जानकारी देती है जहां से सारी चीज आप प्राप्त कर सकते हैं, यू कैन ऑर्डर ऑन दैट पर्टिकुलर ऐप एंड यू विल गेट ऑल द डिटेल्स ओवर देयर, ठीक है। इस ऐप को आप आज ही डाउनलोड कर ले बेटा, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आपको केवल गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करना है या इस पे क्लिक करना है, बत्रा सर सर्च करेंगे या इस पे क्लिक करेंगे, यू विल गेट ऑल द थिंग्स जो मैंने आपको यहां पे कही है बेटा, ठीक है बेटा। तो बेटा हम बात कर रहे हैं इनपुट करते हैं हम कीबोर्ड से और आउटपुट बेटा हम लिया करते हैं किस पे, मॉनिटर स्क्रीन पे, और अगर पेपर पे आउटपुट चाहिए तो बेटा हमें सिंबल बनाना पड़ेगा, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला बनाना पड़ेगा, ओके सर। फिर होता है प्रोसेसिंग, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो बेटा हम बनाया करते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल का मतलब होता है आमने सामने की साइड्स बराबर होती है और साइड वाली इधर बराबर हुआ करती है, ओके बेटा। उसके बाद कंडीशन बनाते हैं, डायमंड बॉक्स बनाते हैं, बेटा उसके लिए बनता है डायमंड बॉक्स, जिसमें हम कंडीशन पूछा करते हैं, इफ इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू एंड सो ऑन। फिर बेटा बनता है फ्लो ऑफ लॉजिक, मतलब एरो बनाते हैं किस डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना है, और कनेक्टर बनता है बेटा पेजेस के डिफरेंट ब्रांचेस को आपस में जोड़ने के लिए। तो ये 6 प्रकार के सिंबल है जो बेटा हम यूज किया करते हैं फ्लो चार्ट में। सबको बात समझ में आ गई हो तो बेटा थंब दे दो, चाहो तो आप यहां पे यस लिख सकते हैं या थंब का निशान लगा दे तो मुझे समझ में आ जाएगा आप सब लोग समझ चुके हैं। ठीक है चलो, तो कल बेटा हमने आपको बताया था 3 कैटेगरी में होते हैं, मैथमेटिकल फ्लो चार्ट,
बिजनेस कैटेगरी फ्लो चार्ट एरे हमने शुरू किया था मैथमेटिकल में, कल एक सवाल करवाया था, आज उसको रिवाइज करा देता हूं, सब लोग अच्छे से समझ लो तो उसके बाद कुछ और प्रैक्टिस करते हैं अपन। सवाल क्या था कल? कल सवाल था हमारा, ड्रॉ ए प्रोग्राम फ्लो चार्ट टू एड फर्स्ट 100 इवन नंबर्स, फर्स्ट 100 इवन नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाना है। तो बेटा पहला स्टेप होता है इसका एनालिसिस लिखना पड़ेगा। एनालिसिस का मतलब होता है मैथमेटिकल सीक्वेंस में लिख डालो, मैथमेटिकल सीक्वेंस में लिख डालो, मैथमेटिकल सीक्वेंस में लिखना होता है। तो बेटा हम लिखेंगे सम, एक वेरिएबल ले रहा हूं मैं जिसमें सबका जोड़ आएगा, तो मैंने एक वेरिएबल लिया सम, है ना। अगर ये मल्टीप्लीकेशन का होगा तो वेरिएबल MUL हो जाएगा, अगर ये डिवीजन का होगा तो वेरिएबल DIV हो जाएगा, अगर ये सब्ट्रैक्शन का होगा तो वेरिएबल SUB हो जाएगा, अगर ये फैक्टर निकालने का होगा तो FACT हो जाएगा। तो हम वेरिएबल जैसा काम होता है उसके हिसाब से लिया करते, ठीक है। हम ABCD वेरिएबल नहीं लेते क्योंकि ABCD से पता नहीं चलता बेटा वो किसके लिए है ना, लेटर ऑन हमें कंफ्यूजन होता है। तो हम कुछ 3 या 4 करेक्टर का लॉजिकल वेरिएबल लेंगे, जोड़ने के लिए सम, घटाने के लिए SUM, मल्टीप्लीकेशन के लिए MUL और डिवीजन के लिए DIV। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गई बेटा? तो फटाफट से यस लिख दो, यस लिख दो, यस लिख दो। तो इवन नंबर की शुरुआत होती है बेटा 2 से और आगे बढ़ता है ये +2 से, है ना। पहला इवन नंबर 2, अगला इवन नंबर 4, नेक्स्ट इवन नंबर 6, तो हमें ऐसे जोड़ना है। तो 2 + 4 + 6 + 10 अप टू 200 तक, लास्ट नंबर क्या होगा बेटा 200। क्यों ऐसा 200 होगा? क्योंकि पहले 100 की गिनती गिनो तो उसमें 100 इवन होते हैं, 100 ऑड होते हैं। तो जब पहले 200 तक की गिनती जाएंगे अपन तो उसमें 100 इवन होंगे, 100 ऑड होंगे। सर ऐसे तो याद रखना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, तो बेटा AP का एक फॉर्मूला यूज करो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक फॉर्मूला यूज करो। Nth टर्म ऑफ AP इज A+N-1 × D, where A is the first term, that is 2, N is number of term, that is 100, or D is common difference, that is 2. तो equation solve करो, 2 + 100 - 1 × 2, that is 2 + 198, that is 200. तो ऐसे calculate कर लो, बात समझ में आ गई सभी को? अगर समझ में आ गई तो बड़ा thumb लगा दो या yes लिख दो। तो आपको analysis समझ में आ गया। Analysis का मतलब होता है mathematically इसको कैसे solve करेंगे, mathematically इसको कैसे solve करेंगे। Got it? समझ में आ गया क्या सभी को बेटा? यस लिख दो या थम लगा दो ताकि मुझे पता चले मेरे बच्चा लोग सब समझ रहे हैं, क्योंकि अगर समझोगे नहीं तो आगे बढ़ने से फायदा नहीं है। अगर सबको समझ में आ गया तो यस सर लिख दो या थम लगा दो, स्क्रीन पे मुझे सब दिखाई दे रहा है, चैट बॉक्स में सब दिख रहा है मेरे को, सब पार्टिसिपेट करो ताकि मुझे पता चले बेटा। तो सबको समझ में आ गया। अब हम बेटा इसका लिखते हैं इंग्लिश में सॉल्यूशन, प्रोग्राम नहीं बना रहे हम, इसका इंग्लिश स्टेटमेंट में सॉल्यूशन बनाएंगे। इसको कहते हैं एल्गोरिथम, और चूंकि ये प्रोग्राम जैसा दिखता है इसलिए हम इसको कहते हैं सूडो कोड, प्रोग्राम जैसा दिखने वाला कोड, सूडो कोड, वेयर स्पेलिंग में पी साइलेंट है। बत्रा सर अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं बेटा, बत्रा सर अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। ये सूडो कोड है, पिस्यूडो कोड नहीं है। जैसे साइकोलॉजी में पी साइलेंट होता है, इस सूडो कोड में भी पी साइलेंट है, ठीक है। PUT पुट होता है और BUT पुट नहीं होता है, BUT बट होता है, उसका ऊ गायब है, ऐसा हमें सिखाया गया है। मान लो क्यों सिखाया गया या मैं नहीं पता, मैं भी ऐसी सीख के आया हूं। तो अंग्रेजी ऐसी ही बात है बेटा, रटा दी जाती है, हमारी हिंदी ऐसी नहीं है। हम तो छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, हलंत, चंद्र बिंदु सब लगाते बेटा। तो अपनी संस्कृति पे हमें गर्व होना चाहिए बेटा, 5,000 साल पुरानी संस्कृति है, ऐसे विदेशियों पे हमें पीछे नहीं जाना चाहिए, है ना। हमारे पास बहुत कुछ है, ये तो ठीक है, 2-3-4 साल गुलाम रह गए तो माथे पे पत्थर पड़ गए हमारे, वरना वी आर वेरी रिच इन कल्चर, मानो उसको, बहुत कुछ है बेटा हमारे पास। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में कभी बात करेंगे इसके ऊपर। तो बताओ सर एल्गोरिथम क्या होती है? एल्गोरिथम में पहला स्टेटमेंट होता है स्टार्ट, शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, स्टार्ट, शुरू कर दिया। उसके बाद होता है CAWL, मतलब सारी लोकेशन को क्लियर कर दो। आप मुझसे पहले भी शायद कोई क्लास लेके आए होंगे तो फिर से आपको ज्वाइन करना पड़ा होगा, आपकी स्क्रीन क्लियर करनी पड़ी होगी। वैसे ही हर नया काम करने से पहले मेमोरी में हम क्लियर करते हैं सब कुछ, CAWL, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन, मेक ऑल द लोकेशन बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस एल्गोरिथम एज 0000, तो उसको हम कहते हैं CAWL, ठीक है। दो स्टेप हो गए। तीसरा, अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। चूंकि हमें सबको जोड़ना है इसलिए हमने एक वेरिएबल ले लिया सम। सर समी क्यों लिया, MUL क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा ये जोड़ने का केस है, मल्टीप्लिकेशन का नहीं है, इसलिए लॉजिकल वेरिएबल लगता है सम, इसलिए लॉजिकल वेरिएबल लगता है सम। सर क्या करेंगे इसमें? इसमें अपन 2 + 4 + 6 सबका जोड़ लाएंगे, इसमें सबका जोड़ लाएंगे, इसलिए इस वेरिएबल का नाम क्या है सर? सम, 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 ठीक है। अच्छा सर, फिर आपने एक और वेरिएबल लिया नंबर इक्वल टू 2, ये क्यों लिया सर आपने? क्योंकि हमें नंबर बनाने 2, 4, 6,
पहले नंबर में 2, 4, 6 बनेंगे, फिर वो सब में जुड़ेंगे। पहले नंबर में 2, 4, 6 बनेंगे, फिर सब में जुड़ेंगे। इसलिए आपको दो वेरिएबल चाहिए, एक जोड़ने का, एक नंबर बनने का। एक जोड़ने का, एक नंबर बनने का। और कहां से शुरुआत होगी सम की? जीरो से, जीरो से, जीरो से। समझ में आ गया सबको? और नंबर की पहली वैल्यू 2 क्यों है? क्योंकि हमारी सीरीज 2 से शुरू होती है, हमारी सीरीज 2 से शुरू होती है। अगर 1 से शुरू होती होती ऑड नंबर के केस में तो 1 ले लेते हम लोग, सम में 0 रहता, नंबर में 1 हो जाता। बात आई क्या सबको समझ में? अगर समझ में आ गई है तो थंब लगा दो, यस लिख दो, थंब लगा दो, यस लिख दो, क्योंकि तीसरा स्टेप आपको क्लियर हो गया। क्योंकि अगला सवाल फिर आने वाला है ऑड नंबर का, अगर ये समझ में आ जाएगा तो वो भी बना लोगे, वो मेरे मदद से आप बना लोगे। जल्दी से यस लिख दो, यस लिख दो, यस लिख दो। क्लास बेटा इंटरेक्टिव होनी चाहिए, कीबोर्ड पर बैठे रहो, मैं जैसे ही लिखूं फटाफट लिख दो या हाथ उठा दो, या तो हाथ उठा दो। निकुंज ने उठा दिया, दिलीप ने लिख दिया, श्रावणी ने उठा दिया, तो बड़ा फटाफट लिख दो ताकि मुझे पता चले यू आर लाइव इन क्लास, कोई सो तो नहीं रहा है। अब बत्रा सर वर्चुअली तो ऐसे ही चेक कर सकते हैं, फेस टू फेस होती तो मैं दिखते आप, अब यहां दिख तो नहीं रहे तो हम ऐसे ही आपके बारे में पता करेंगे। पूनम ने दे दिया, विनय ने दे दिया, श्रावणी ने दे दिया, निकुंज ने दे दिया, विनय कहां है? विनय ने दे दिया। दिलीप कहां है? दिलीप कहां है? दिलीप ने दे दिया। भार्गवी, भार्गवी क्या कहती है? और रियलम सीटू कौन है? आकांक्षा कहां है? आकांक्षा क्यों नहीं बोल रही है? निपुण क्यों नहीं बोल रहा है? फटाफट बोलो बेटा, फटाफट बोलो, आज हमें बहुत कुछ पढ़ना है बेटा, कल शुरुआत हो गई, आज तो रिवाइज करके आगे बढ़ना है। फटाफट से सब लोग दे दो ताकि मुझे पता चले यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर अंडरस्टैंडिंग मी, सो दैट आई कैन पुट फॉरवर्ड माई कंसेप्ट टू द नेक्स्ट लेवल। आकांक्षा ने दे दिया, निपुण क्यों नहीं दे रहा है? भार्गवी क्यों नहीं दे रही है? निश्चिता क्यों नहीं दे रही है? निश्चिता क्यों नहीं दे रही है? फटाफट दे दो बड़ा, फटाफट दे दो, यस लिख दो या हाथ उठा दो तो मुझे पता चले सबको समझ में आ गया। तो सबको समझ में आ गया, चलो अगला स्टेप बनाते हैं। तो अगला स्टेप सर क्या लिखेंगे आप? सम में 0 है, नंबर में 2 है, ये नंबर में बना हुआ 2 सम में जुड़ना चाहिए। सो देयर कम्स ए मैथमेटिकल स्टेप, सम इक्वल टू सम प्लस नंबर। क्या होगा सर इससे? नंबर में जो 2 है वो सम में जुड़ेगा जो 0 है, तो 0 प्लस 2 करके दोनों बन जाएंगे 2 बन जाएंगे। सर ऐसा कैसे पता चलेगा? इसके लिए बेटा एक टेबल बनती है। टेबल कैसे बनती है बेटा? टेबल इस तरीके से बनती है बेटा। हमारी टेबल कैसे बनेगी? देखो सम और 0, सम और नंबर कर दिया बेटा अपन ने। अब थर्ड स्टेप पे सम की वैल्यू 0 है और नंबर की वैल्यू 2 है, तो बेटा हमने क्या किया, टेबल में लिख दिया 0 और 2, 0 और 2। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सबको। उसके बाद हमारा स्टेप है सम इक्वल टू सम प्लस नंबर। तो क्या करेंगे बेटा, इस समय सम और नंबर की जो 0 वैल्यू है, 0 एंड 2, वो दोनों जोड़ेंगे और सम में लिख देंगे नई वैल्यू, दैट इज 2। क्या इस दौरान सम में वैल्यू चेंज जो हुई है 2, उसके कारण नंबर में जो वैल्यू थी 2, उसमें कोई चेंज आया क्या? उसमें कोई चेंज आया क्या? नहीं सर, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया। जब उसमें बेटा कोई चेंज नहीं आया तो उसकी पुरानी वैल्यू रिटेन रहेगी। अगर मेरे 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 बैंक अकाउंट में 1000 रुपीज है, मेरे बैंक अकाउंट में 1000 रुपीज है, मैं ना तो फर्दर विड्रॉल करता हूं ना फर्दर डिपॉजिट करता हूं, मैं केवल इस बैलेंस को डिस्प्ले करता हूं, मैं केवल इस बैलेंस को डिस्प्ले करता हूं, तो क्या मेरे बैलेंस में चेंज आ जाएगा क्या? क्या मेरे बैलेंस में चेंज आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो सम 2 हो जाएगा, नंबर में कोई चेंज होगा, नंबर में भी 2 रहेगा। क्या ये टेबल का स्टेप आप बच्चों को समझ में आया? क्या ये स्टेप आप बच्चों को समझ में आया? क्या ये स्टेप बच्चों को समझ में आया? यस कर दो तो मुझे पता चले आप मेरी बात समझ रहे हैं। कल वाली बात को मैं वापस कर रहा हूं ताकि नए बच्चे भी समझ लें। रील में भी नहीं हाथ उठा दिया, विनय ने उठा दिया, निकुंज ने, श्रावणी ने, बाकी बच्चे भी उठा दो फटाफट, यस लिख दो या हाथ उठा दो, तब मुझे समझ में आ गया। आपको समझ में आ गया? फाइन फाइन फाइन, सबको समझ में आ गया। चलो तो जैसे हम पहला स्टेप लिख लेते हैं हमारी कंडीशन आ जाती है, जाना कहां तक है? नंबर जब तक 200 नहीं हो जाता तब तक हमें जोड़ना है। तो हम लिखेंगे इफ नंबर इक्वल टू 200 देन प्रिंट सम एंड एंड। क्या लिखेंगे? अगर नंबर 200 तक बन गया, जुड़ गया, तो आप इस फाइनल वैल्यू को जो सम में आई है प्रिंट करिए, आउटपुट दीजिए और फ्लो चार्ट को एंड करिए। तो क्या कंडीशन लिखिए? इफ नंबर इक्वल टू 200 लास्ट नंबर है, 200 लास्ट नंबर है, इफ नंबर इक्वल टू 200, अगर ये ऑड होते तो वो नंबर आ जाता जो भी लास्ट ऑड नंबर होता हमारा। तो इफ नंबर इक्वल टू 200 जो कि लास्ट नंबर है जहां तक जाना है, देन क्या करना है? प्रिंट द सम। सम को प्रिंट क्यों करें? क्योंकि फाइनल जोड़ इसमें आया, फाइनल जोड़ इसमें आया, तो हम प्रिंट कर देंगे सम को। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? फ्लो चार्ट विल एंड। ठीक है, अभी तो ऐसा है नहीं, अभी तो क्या है, सम में भी 2 है, नंबर में भी 2 है, अभी तो हमें 4 बनाना है, 6 बनाना है, 8 बनाना है। तो हम क्या करेंगे बेटा? अगले स्टेप पे जाएंगे। अगला स्टेप क्या है बेटा? नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 2। सर ऐसा क्यों किया आपने?
क्योंकि बेटा हमें इवन नंबर को बनाना है और इवन नंबर में कॉमन डिफरेंस दो का होता है, तो अगर नंबर पहला टू है तो उसमें प्लस टू करते ही फोर बनेगा, फोर में प्लस टू करोगे सिक्स बनेगा, सिक्स में प्लस टू करोगे एट बनेगा, तो हमारा कॉमन स्टेप क्या हो जाएगा मैथमेटिकल सीक्वेंस का, नंबर इक्वल टू नंबर प्लस टू, विच मीन्स वी आर इंक्रीजिंग इवन नंबर बाय द एडिशन ऑफ टू सो दैट वी कैन गेट ए न्यू इवन नंबर. वी विल स्टार्ट विद टू, हम ऐड करेंगे प्लस टू विल गेट फोर, फोर होगा उसमें टू ऐड करेंगे विल गेट सिक्स, सिक्स में टू ऐड करेंगे विल गेट एट, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे. बिल्कुल ठीक बात समझ में आ गई बेटा, ठीक बा ठीक बा ठीक बा, बिल्कुल समझ में आई क्या सबको? अगर है तो बिल्कुल थम दे दो, यस कर दो, थम दे दो, यस कर दो बेटा. सबको समझ में आ गया? ओके ओके ओके. अब इसको सम में जोड़ना है तो हम कहेंगे बेटा गो टू स्टेप नंबर फोर, गो टू स्टेप नंबर फोर, जहां लिखा है सम इक्वल टू सम प्लस नंबर, वहां लिखा है सम इक्वल टू सम प्लस नंबर, इसका मतलब होता है पुरानी सम की वैल्यू जो दो है उसमें नंबर की नई वैल्यू दैट जो चार है दोनों को जोड़ दो. तो देखो नंबर में चार बना था वो इस दो में आके जुड़ा, तो ये दो प्लस चार हो गए छह, दो प्लस चार हो गए छह. इस तरीके से बेटा दो था जुड़ गया, चार था जुड़ गया. ऐसे कब तक बनाएंगे सर? चार स्टेप तक बनाना पड़ेगा, चार स्टेप तक बनाना पड़ेगा, चार स्टेप तक बनाएंगे. कैसे सर? आगे बढ़ो. इफ नंबर इक्वल टू 200, अभी तो नहीं, तो अगला स्टेप होगा नंबर इक्वल टू नंबर प्लस टू, नंबर में फोर है दो और ऐड करो वो हो गया छह. ठीक है, उसके बाद गो टू स्टेप फोर करेंगे, लूप बनाएंगे, इसको कहते हैं लूप. हम दोबारा फोर पे आएंगे, जहां लिखा है सम इक्वल टू सम प्लस नंबर, तो नंबर में जो चार है, नंबर में जो छह है, नंबर में अब जो छह है वो सम की वैल्यू जो छह चल रही है उसमें जुड़ेगी, तो ये हो जाएगा सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व. कैसे आया ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, कंप्यूटर में अंदर लिखा हुआ नहीं होता है, वहां तो फाइनल फिगर आता है ना, वहां तो फाइनल फिगर आता है. तो ट्वेल्व कैसे आया? टू प्लस फोर प्लस सिक्स से आया. एक और स्टेप करेंगे, नंबर 200 नहीं है, नंबर में दो और जुड़ेंगे वो आठ हो गया, आठ होने के बाद में ये ट्वेल्व में आकर जुड़ेगा ट्वेंटी हो गया. ये ट्वेंटी कैसे आया? टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट से आया. इस तरीके से अगर चार स्टेप तक टेबल ठीक बनती है इसका मतलब हमने एल्गोरिथम ठीक लिखा है, सूडो कोड हमने ठीक लिखा है. सर अब क्या करेंगे? सर अब क्या करेंगे? आपसे पहले पूछा जाएगा क्या आपको इतना समझ में आया? मेरे बच्चों आपको इतना समझ में आया जल्दी से बताओ मुझे. अगर आपको समझ में आ गया तो यस लिख दो या थम कर दो, यस लिख दो या थम उठा दो. श्रावणी को समझ में आ गया, निकुंज को आ गया, पूनम नहीं बता रही, निपुण नहीं बता रहा, निशिता नहीं बता रही, भाग्यश्री के दिलीप, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया. ओके फाइन 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 फाइन. हम बेटा जुड़े हुए हैं हिंदुस्तान के सबसे लीडिंग बिजनेस प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है कॉपी किताब. बत्रा सर जाइंट्स के साथ ही काम करते हैं, बत्रा सर जाइंट्स के साथ ही काम करते हैं. हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बेटा, सबसे बड़ा कह रहा हूं. आज इनकी वेबसाइट पे जाके देखना www.copykitab.com. मैं देख के हैरान हो गया बेटा, कैसे विजनरी लोग है बेटा, कैसे हर किताब को डिजिटल फॉर्म में ले आए. कोविड के टाइम में किताबें तो शिप ही नहीं कर सकते, हम आपको भेज ही नहीं सकते, कुरियर ही नहीं कर सकते. इन्होंने कहा बत्रा सर आप चिंता मत करिए, आपकी सारी किताबें हम डिजिटल कर देंगे. कर दी बेटा मेरे ऐप पे, बत्रा सर ऐप पे कर दी इन्होंने बेटा. इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है बेटा, 8 मिलियन कंज्यूमर्स हैं ना. मिस्टर सुमित एंड मिस्टर अमित दो डायनेमिक पर्सनालिटी है बेटा, इस फर्म को चलाने वाले यंग सीईओज बेटा, हिंदुस्तान की दिशा दिशा को बदलने वाले बेटा, गजब के लोग है बेटा. मैं बात करता हूं तो बेटा बड़ा इंस्पायर होता हूं उनसे बात सुन के, कहां हिंदुस्तान को ले जाने वाले लोग आ गए बेटा. देखो कभी हम सुनते थे बेटा बिल गेट्स होते हैं, कभी हम सुनते थे बेटा नारायण मूर्ति होते हैं, बेटा ये नए जमाने के बिल गेट्स हैं, नए जमाने के नारायण मूर्ति हैं. ये दुनिया में बड़ा नाम करेंगे. 2020-2021 में आप देखेंगे कंपनी किस नई ऊंचाइयों को छेगी बेटा. हमने इनके साथ शुरू किया सीए वर्टिकल, आप फाउंडेशन से लेके फाइनल तक सारे टीचर्स यहां पाओगे बेटा सीए के. और बहुत जल्दी अब इनके साथ में और भी कई कोर्सेज लाएंगे. तो बेटा ये एजुकेशन सेक्टर में भी आ चुके, इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन. अब तक केवल डिजिटल कंटेंट बुक्स में देते थे बेटा, अब बेटा ये ले आए हैं सीए वर्टिकल को. आगे और भी वर्टिकल आएंगे बेटा, स्कूल एजुकेशन भी ला सकते हैं. तो बेटा इसको कहेंगे डाइवर्सिफिकेशन. मैं बात बात में आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूं, अगर मेरी बात को सपोर्ट करते हो और आप कॉपी किताब को बेटा पसंद कर रहे हो मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ के और इसका फायदा ले रहे हो, बत्रा सर की फ्लोर चार्ट सीरीज दे रहे हो, तो बेटा फटाफट से मुझे थम दे दो ताकि मुझे पता चले मेरी बात आप तक पहुंची, कॉपी किताब की बात आप तक पहुंची. इस पैंडेमिक टाइम में कोई तो है जो बेचा आपका हेल्प करता है, बच्चे लोग आपकी हेल्प करता है, और वो है बेटा कॉपी किताब. वो है कॉपी किताब जिन्होंने बत्रा सर को आपके घर तक पहुंचाया.
डायरेक्ट टू योर होम पहुंचा है बेटा ड्यू टू दिस जूम कॉल। और जो हम करते हैं हर फ्राइडे सैटरडे को, नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे को भी होगी, और इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, फ्लो चार्ट ही करेंगे बेटा जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि बत्रा सर को पता है बेटा, क्योंकि बत्रा सर तो खुद भी एग्जामिनर और पेपर सेटर रह चुके हैं बेटा, और बत्रा सर पढ़ा रहे सब्जेक्ट को 31 साल से 62 सी एग्जाम अटेम्प्ट से। तो बत्रा सर के पास जो नॉलेज है कॉपी किताब के माध्यम से आपके घर तक आ रहा है, और बेटा इसको पढ़िए समझिए और दूसरे लोगों को भी बताइए, और हमारे चैनल प्रोफेसर जीएस बत्रा पे आइए, सारे वेबिनार आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे। वेबसाइट विजिट करिए www.copykitab.com और ऐप पे चले जाइए बेटा, आपको सारी चीज मिल जाएंगी। मैं भाग्यश्री से कहूंगा हमारी सपोर्ट टीम, जिसके बिना हमारे वेबिनार संभव ही नहीं हो पाता है, हर बार वो इसकी मेहनत किया करती है, सारे बच्चों को जोड़ती है और बेटा आपको लिंक प्रोवाइड करती है। तो मैं भाग्यश्री से एक बार फिर कहूंगा copykitab.com की वेबसाइट का लिंक और हमारे बत्रा सर का ऐप लिंक आप बच्चों के साथ चैट बॉक्स में एक बार फिर से शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा इन 199 की स्कीम को लेना चाहता है वो भी अपना एक हेल्पलाइन नंबर बता दीजिए जिस पे ऑर्डर दे सकता है, ताकि विद इन 24 आवर आपको ओल्ड कोर्स ITSM, न्यू कोर्स ESSM के सारे वीडियो लिंक्स और सारी बुक्स विद इन 24 आवर दे दी जाए, ताकि आप अपनी जर्नी को नवंबर 20 के लिए और मई 21 के लिए आसान बना सके। मेरी बात समझ में आ गई तो बड़ा थंब दे दो सभी लोग। तो अब बनाएंगे बेटा इसका फ्लो चार्ट। अगर एल्गोरिथम बनाना आ गया तो फ्लो चार्ट बनाना एक मिनट का काम है, याद रखें एल्गोरिथम जिसकी सही उसका फ्लो चार्ट सही, जिसके एल्गोरिथम गलत उसका फ्लो चार्ट गलत। तो ये रहा आपके सामने फ्लो चार्ट, पहला स्टेप था स्टार्ट। तो स्टार्ट में हमने क्या किया, स्टार्ट लिखा और उसके ऊपर हमने बना दिया, उसके ऊपर हमने बना दिया, क्या बना दिया सर आपने, उसके ऊपर हमने बना दिया ओवल सिंबल, उसके ऊपर हमने बना दिया ओवल सिंबल। उसके बाद एरो बनाई और हमने लिख दिया CAWL प्रोसेसिंग बॉक्स में। उसके बाद हमने फिर से एक प्रोसेसिंग बॉक्स बनाया और उसमें लिख दिया सम इक्वल टू 0 नंबर इक्वल टू। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं बेटा, एल्गोरिथम के स्टेप्स को फ्लो चार्ट के सिंबल्स में बांधते चले जा रहे हैं, एल्गोरिथम के स्टेप्स को फ्लो चार्ट के सिंबल में डालते चले जा रहे हैं। स्टार्ट के लिए ओवल सिंबल, CAWL चूंकि असाइनमेंट है 0 0 देता है सबको, प्रोसेसिंग सिंबल साइज छोटी बड़ी हो सकती है, सम इक्वल टू 0 नंबर इक्वल टू असाइनमेंट है तो इसको भी हम प्रोसेसिंग सिंबल में डाल रहे हैं। उसके बाद सम इक्वल टू सम प्लस नंबर, अगेन प्रोसेसिंग सिंबल, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन प्रोसेसिंग मानी जाती है। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, डायमंड बॉक्स में कंडीशन पूछेंगे, हम हमेशा कंडीशन पूछते हैं स्टॉपिंग की, कहां तक जाना है, हमें जाना है नंबर जब तक 200 नहीं हो जाता। तो हमारी कंडीशन इफ नंबर इक्वल टू 200, फिर यस करने पर क्या कहा गया था, यस लिख के हम प्रिंट करेंगे तो पेपर प्रिंटिंग का सिंबल बनाएंगे और फिर हम कर देंगे बेटा एंड, क्या कर देंगे बेटा हम एंड, स्टॉप नहीं करेंगे। मिटा के बना देता हूं, क्या लिखेंगे अपन इसमें लिखेंगे अपन एंड, इसमें हम लिखेंगे एंड, एंड मतलब काम खत्म करो, पैसा जब। और अगर नंबर 200 नहीं है, नो करते हैं, तो बेटा फिर से एक प्रोसेसिंग सिंबल बनाएंगे और उसमें लिखेंगे नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 2, अगला स्टेप जहां से आगे का नंबर बढ़ेगा, और फिर इस एरो को ले जाके ऊपर जोड़ देंगे। ये होता है आपका फ्लो चार्ट। इतना हमने लास्ट टर्न पे किया था, आज फिर से मैंने इसे रिवाइज किया। अगर अब भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछे, वरना मैं चल रहा हूं अगले सवाल पे। फटाफट से अपना रेस्पॉन्स मुझे चैट बॉक्स में दे दो। अगर आपको समझ में आ गया है तो यस सर लिखे, या हाथ रेज कर दे या हैंड रेज कर दे। श्रावणी ने कर दिया, अच्छा ये तो नाम ही नहीं आ रहा है किसी का, अननोन अनोनमस कौन है ये। पूनम ने दे दिया, विनय ने दे दिया, दिलीप, निशिता, भार्गवी, सभी लोग फटाफट से यस सर लिख दो, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए मेरे बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं, उन्हें मेरी हर बात समझ में आ रही है। बच्चों फटाफट लिख दो। दिलीप ने दे दिया, भार्गवी ने दे दिया, श्रावणी ने दे दिया, सभी ने दे दिया। ओके, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। अगले सवाल पे चले क्या बेटा? तो अगला सवाल ले रहे हैं आपके लिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है प्रोग्राम फ्लो चार्ट टू एड फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स। किसका सवाल करेंगे अब अपन? अभी हमने किया था इवन नंबर वाला, अब हम किसका करेंगे बेटा? ऑड नंबर वाला सवाल करेंगे। कौन सा सवाल करेंगे बेटा अपन? ऑड नंबर का सवाल करेंगे। किसका सवाल करेंगे अब अपन? ऑड नंबर का सवाल करेंगे। ओके। तो बेटा देखो, ऑड नंबर का एनालिसिस क्या होगा? सबसे पहले एनालिसिस मैथमेटिकल सीक्वेंस लिखेंगे, जोड़ने का प्रोग्राम है तो हम लिखेंगे बेटा सम इक्वल टू, ऑड नंबर कहां से शुरू होता है, पहला ऑड नंबर कहां से शुरू होता है 1 से, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है बेटा 3,
नेक्स्ट ऑर्डर नंबर क्या है बेटा 5, नेक्स्ट ऑर्डर नंबर क्या है 7, नेक्स्ट ऑर्डर नंबर क्या है 9, लास्ट नंबर क्या होगा बेटा 199। सर 199 क्यों लिया, 99 होना चाहिए ना? नहीं बेटा, अगर 99 तक गए तो केवल 50 ऑर्डर नंबर ही जुड़ेंगे, अगर 99 तक गए तो 50 ऑर्ड नंबर ही जुड़ेंगे, आपको 199 तक जाना पड़ेगा तब आप 100 ऑर्ड नंबर जोड़ पाओगे। अगेन वही तरीका है हमारे पास में, nth टर्म निकाल लो, 2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू, यहां 1 आएगा, यहां 2 नहीं है, यहां आएगा 1, पहला टर्म 1, ठीक है, 1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो ये कितना हो गया 1 प्लस 99 इंटू 2, तो ये हो गया 1 प्लस 198 और ये हो गया बेटा 199। इस तरीके से लास्ट नंबर, लास्ट सीक्वेंस का नंबर हम लोग निकाल लेंगे। क्या मेरी बात सब बच्चों को समझ में आई, क्या मेरी बात सब बच्चों को समझ में आई? अगर मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ गई तो बेटा आपको पता चल गया होगा क्या लिखना होता है। समझे सभी लोग क्या नहीं? फटाफट से यस लिख दो या थंब रेज कर दो, फटाफट से थंब लगा दो या यस लिख दो, लिख दो लिख दो लिख दो मेरे बच्चों, लिख दो। श्रावणी, अननोन, भार्गवी, दिलीप ने लिख दिया, और कौन है? तो बेटा आपने पुरानी वाली एल्गोरिथम देखी थी, उसी तरीके से इसको भी लिखेंगे अपन। सर कैसे लिखेंगे, आओ बेटा सर दिखाते हैं आपको। पहला स्टेप होगा हमारा स्टार्ट, फर्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा जी हमारा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा हमारा, फर्स्ट स्टेप विल बी स्टार्ट, शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो अंताक्षरी, नहीं शुरू करो अंताक्षरी लेके आ रही का नाम, नहीं हम फ्लो चार्ट पढ़ रहे हैं तो स्टार्ट का मतलब फ्लो चार्ट को शुरू करना है, अंतराक्षरी को शुरू नहीं करना है, तो स्टार्ट करेंगे। सेकंड स्टेप होता है CAWL, CAWL का मतलब क्या होता है सर, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन, मतलब मेक ऑल द लोकेशंस एज जीरो, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशंस, सारी लोकेशन को जीरो कर दो, नया काम शुरू करने जा रहे हैं। अब यहां पे हम वेरिएबल लेंगे सम इक्वल टू जीरो और नंबर लेंगे यहां पे सीरीज का पहला टर्म दैट इज 1, ये लेना पड़ता है अपने को, सीरीज का पहला टर्म हमें लेना पड़ता है तो वो है 1, तो हमने लिख दिया स्टार्ट CAWL सम इक्वल टू जीरो नंबर इक्वल टू 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो फटाफट से यस लिख दो या थंब रेज कर दो ताकि मुझे पता चले मेरे बच्चे मेरी बात सीख रहे हैं, समझ रहे हैं फ्लो चार्ट। विनय ने दे दिया, भार्गवी ने दे दिया और आपने सबने यस भी लिख दिया, ओके बेटा, ओके ओके, तो मैं आगे चलता हूं। सम जीरो हो गया, नंबर 1 हो गया, अब अगला स्टेप लिखते हैं फोर्थ, सम इक्वल टू सम प्लस नंबर। सर आपने ये तो इवन नंबर में भी लिखा था, बेटा सभी में लिखना पड़ेगा, अगर सम में जीरो है नंबर में 1 है तो ये नंबर वाला 1 सम में जुड़ना चाहिए, सो वी नीड दिस स्टेप, चाहे वो इवन नंबर का हो चाहे वो ऑड नंबर का हो, तो हम लिखेंगे सम इक्वल टू सम प्लस नंबर। सर इससे होगा क्या, आओ टेबल में देखते बेटा, हम टेबल बना रहे हैं दो स्टेप की, सम और नंबर, ठीक है। सम की इस समय वैल्यू क्या है बेटा, सम में है 0, नंबर में कितनी है 1, ओके सर। आगे क्या हुआ सर, अगला स्टेप आया सम इक्वल टू सम प्लस नंबर, क्या करेंगे सर इसमें, नंबर में जो आपके पास 1 था वो सम में जोड़ेंगे और इनको जोड़ने के बाद वो इस सम में स्टोर करेंगे, ऐसा क्या सर? बिल्कुल बेटा ऐसा, तो सम की इस समय वैल्यू है 0, नंबर की है 1, ये दोनों जुड़ के सम में बना देंगे 1, तो हम लिख देंगे सम में 1। क्या इस दौरान नंबर में कोई चेंज हुआ क्या? चेंज नहीं हुआ सर, तो हमने फिर से लिखा उसमें 1। इसको हम कहते हैं टेबल का पहला स्टेप, होपफुली आप सबको समाना समझाना बनाना हो लिया होगा। अरे निकुंज लिख रहा है बना लिया सर, क्या बात है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, निकुंज ने बना लिया, और किसने बना लिया, और किसने बना लिया, और किसने बना लिया, तो इस स्टेप पे ये टेबल समझ में आ गई। विनय ने भी कर दिया, क्या बात क्या बात, तो मैं फटाफट कर दूं, मैं पीछे रह जाऊंगा, नहीं तो आपने कर दिया मैं बतरा सर पीछे रह जाएंगे, आप तो बड़े होशियार हैं, एक सवाल बताया और आगे करने लग गए आप, क्या बात निकुंज, क्या बात क्या बात क्या बात। विनय वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, और किसने कर दिया, चलो मैं नहीं बनाता, चलो मैं आगे नहीं बनाता, पिछला आपके पास है, मैंने सीक्वेंस बता दिया, फटाफट से बाकी बच्चे भी बना दो। श्रावणी बनाओ बेटा, पूनम बनाओ, निपुण बनाओ, निकुंज ने बना दिया बेटा, निशिता बनाओ, दिलीप बनाओ, सब जने बनाओ, फटाफट बनाओ बेटा, सब जने फटाफट बनाओ और मुझे बताओ आपने बना लिया, मैं भी देखूं मेरे बच्चे कितने होशियार है, एक सवाल बताया कल और आज आपने बना लिया, ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, है ना?
पूछ सकता है कोई आपसे, इतना आसान है क्या फ्लो चार्ट? बत्रा सर ने बना दिया बेटा, बत्रा सर पढ़ाते ही ऐसे कि तुरंत दिमाग में उतर जाता है। और आज पढ़ लो इसको बेटा, कभी भी अपना ब्लड ग्रुप आपका पहले क्या रहा था हमें मतलब नहीं है, बत्रा सर की क्लासेस से पहले आपका ब्लड ग्रुप ए रहता है, बी रहता है, ए बी रहता है, ओ रहता है, पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव रहता है। बट वंस यू टेक द बत्रा सर क्लासेस ऑन कॉपी किताब प्लेटफॉर्म, कभी भी ब्लड टेस्ट कराना, इट बिकम्स बत्रा सर पॉजिटिव और इट बिकम्स EISSM एंड ITSM पॉजिटिव। बस ये कर देते हैं बत्रा सर, ये बत्रा सर कर देते हैं, आपके ब्लड ग्रुप को बना देते हैं CA इंटरमीडिएट के लिए EISM न्यू कोर्स पॉजिटिव एंड ओल्ड कोर्स ITSM पॉजिटिव। बनना है तो लगातार कॉपी किताब प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहो बत्रा सर, नवंबर तक जब तक एग्जाम नहीं होते कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपके लिए लाते रहेंगे जिससे एग्जाम में कुछ परसेंटेज और मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। हमने इस फ्लोचार्ट को शुरू करने से पहले मेरे ख्याल से 32 मार्क्स को कवर कर लिया था और ये 6 से 8 नंबर करके 40 नंबर आपके हमने बना दिए, तो ये 15 अगस्त तक हमारी सीरीज करीब फिनिश हो जाएगी और तब तक बेटा आप 40 नंबर पास करने लायक बन जाएंगे। हमने ये सीरीज शुरू की थी 15 जून से ये 9th वेबिनार हमारा, सारी चीजें आपको हमारी वेबसाइट पे हमारी चैनल पे मिल जाएंगी, YouTube चैनल पे प्रोफेसर जीएस बत्रा आप सारा कर लो, 40 मार्क्स आपके आ जाएंगे बेटा यहां से कॉपी किताब प्लेटफॉर्म की वजह से आपके 40 मार्क्स आ जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी इनकरिंग कॉस्ट, ठीक है ना। कॉपी किताब लाए बत्रा सर को आपके घर तक, भार्गवी ने भी बना लिया, श्रावणी ने भी बना लिया, दिलीप ने भी बना लिया, पूनम ने बना लिया, विनय ने बना लिया, निकुंज ने बना दिया, तो मजा आ गया बत्रा सर को, मजा आ गया। अच्छा क्या बनाया, एल्गोरिथम भी बनाया है कि फ्लो चार्ट भी बना दिया? फ्लो चार्ट बना लिया तो लिख दो फ्लो 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 फ्लो, सब लोग लिख दो, मतलब मुझे पता चले आपने फ्लो चार्ट भी बना लिया, केवल एल्गोरिथम ही नहीं बनाया। जल्दी से लिख दो सब फ्लो 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 फ्लो, ताकि मुझे पता चले आपको पता चल गया आपने। ओहो, दिलीप ने फ्लो चार्ट भी बना लिया, विनय ने फ्लो चार्ट बना दिया, कौन पीछे रह गया? बत्रा सर पीछे रह गए। ओहो ओहो ओहो, बच्चे सब आगे बढ़ गए बत्रा सर से, क्या बात, फ्लो चार्ट बनाना आ गया आपको, ये तो कमाल हो गया, एक लेक्चर में ही फ्लो चार्ट बनाना सीख लिया। फ्लो चार्ट इतना आसान है क्या? बिल्कुल आसान है, अगर आप पढ़ते हैं बेटा बत्रा सर के साथ कॉपी किताब प्लेटफॉर्म पे, हिंदुस्तान के लीडिंग बुक स्टोर पर, ठीक है ना। जिस तरीके से अमेज़न किसी जमाने में सबसे बड़ा बुक स्टोर था और बाद में ई कॉमर्स साइट बना, उसी राह पे है बेटा, अमेज़न की राह पे है बेटा कॉपी किताब प्लेटफॉर्म, ठीक है। भार्गवी ने एल्गोरिथम बनाया है, ओके कोई दिक्कत नहीं, आप फ्लोचार्ट बना लेंगे मिलके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं और आप साथ साथ है पूनम, अच्छा पूनम ने कर दिया, ओके तो मैं और भार्गवी मिलके फ्लोचार्ट बनाएंगे, बाकी सब लोग चेक कर ले। तो अगला स्टेप होगा इफ नंबर इक्वल टू 199 प्रिंट 79 स्टॉक, फिर नंबर इक्वल नंबर प्लस 2 और गो टू 4। टेबल बना ली क्या सबने? टेबल बना ली क्या? सब लोग लिख दो टेबल, ताकि मुझे पता चल जाए टेबल भी बना लिया आपने। फटाफट लिख दो टेबल। श्रावणी ने बना ली, वेरी गुड, तो सभी बन गए, एल्गोरिथम बन गया, टेबल बन गई, फ्लो चार्ट बन गया श्रावणी का, और किसका बन गया। दिलीप ने भी बना लिया एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, टेबल, वेरी गुड, तीन चीजें बन गई इसकी भी। ओके, जल्दी बनाओ। सर ये क्या बन रहा है? रोटी थोड़ी बनानी है अपने को। भार्गवी ने बनानी है टेबल, वेरी गुड भार्गवी। विनय ने सब कुछ कर दिया, डन, वेरी गुड। बाकी बच्चे इतने सारी संख्या में होते हुए भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इतना कहना पड़ता है मुझे, फटाफट से बताया करो बेटा, इतने सारे लोग बैठे हो आज के इस लाइव जूम क्लास में मेरे साथ में, पर पार्टिसिपेट कुछ बच्चे ही करते हैं, लाइवली कुछ बच्चे ही होते हैं, ये तो हमारी फेस टू फेस क्लास जैसा हो गया। 200 की क्लास पढ़ाते बत्रा सर जोधपुर में, लेकिन वही होता है जो आगे की बेंचों में बैठे होते हैं कुछ बच्चे, वही इंटरेक्ट करते हैं, बाकी तो क्या चल रहा है जैसा चलने दो, हमें क्या लेने देना। ऐसे मत किया करो बेटा, यू आर कमिंग टू द इंटरेक्टिव क्लास ऑफ बत्रा सर, ब्रॉट टू यू बाय कॉपी किताब प्लेटफॉर्म, India's leading business platform for digital books and digital content, and now providing the education also. तो आपको होना पड़ेगा बेटा, interactive. निकुंज कह रहा सर अगला सवाल करा दो, अरे क्या बात, मन की बात छीन ली बेटा, आ जाओ अगला सवाल ले लो। तो बेटा ये रहा फ्लो चार्ट, भार्गवी ये रहा फ्लो चार्ट, आपने बना लिया होगा, दिस इज द फ्लो चार्ट, सब लोग चेक कर लो, दिस इज द फ्लो चार्ट, अगर आप सबने बना लिया है तो एक मिनट दे रहा हूं मैं, चेक करो, मैं अगले सवाल पे जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
निकुंज कह रहा है मेरा करेक्ट है, तो बेटा आपके आ गए 8 में से 8, आपने इस बार प्राप्त कर लिए हैं 8 में से 8 नंबर। निकुंज ये बता दो बेटा, आप न्यू कोर्स के हो, ओल्ड कोर्स के हो, और आपका ड्यू कब था, May 20 या November 20 या May 21, ये इतना सब लोग बता दो एक बार मुझे, एक बार इतना सब लोग बता दो। और निकुंज आप शायद पहली बार है क्लास में, कहां से है बेटा, ओल्ड कोर्स है, मतलब May 20 आपका लास्ट था, आप November 20 में दोगे, कोलकाता से। लड़बो करबो जीतबो निकुंज। दिलीप कह रहा है मेरा भी करेक्ट है, मैं न्यू कोर्स से हूं। निकुंज कह रहे कल भी अटेंड किया था, ओके। भार्गवी ओल्ड कोर्स है कर्नाटका, वणक्कम भार्गवी, वणक्कम। करबो लड़बो जीतबो निकुंज, करबो लड़बो जीतबो, कौरबो लड़बो जीतबो। ठीक है, आप तो बत्रा सर सीख रहे थोड़ी थोड़ी बंगाली। वैसे बता दूं बेटा, बत्रा सर 6 लैंग्वेजेस बोल देते हैं, हिंदी इंग्लिश तो हम सब बोलते हैं, पंजाबी मेरी मातृभाषा है, मैं जिस एरिया में रहता हूं उसको मारवाड़ कहते हैं, तो बेटा मेरे को मारवाड़ी भी आती है, और मेरे कुछ दोस्त सिंधी भी है, तो मैं उनसे सिंधी में बात कर लेता हूं, और मेरी वाइफ बेटा गुजरात से आती है, सरदारनी है वो, लेकिन गुजरात से आती है, तो वो और उसकी मम्मी मेरे बारे में क्या प्रिय बातें करते बेटा, वो सुनने के लिए मैंने गुजराती भी सीखी, केम छो, मजामा। गीतिका दुआ भी आ गई, सर आई हैव मिस्ड टुडे सेशन, व्हेन इट विल बी अपलोडेड, टुमारो बेटा टुमारो, कल वाला आज आ जाएगा, आज वाला कल आ जाएगा, हमें एक दिन लगता है बेटा उसको एडिट करके अपलोड करने में, तो आज वाला कल आ जाएगा, कल वाला आज शाम को आ रहा है, इस क्लास के बाद हम अपलोड कर रहे हैं, कल वाला सेशन आज शाम को अपलोड हो जाएगा, आज वाला कल सुबह अपलोड हो जाएगा संडे के दिन। सो गीतिका यू विल गेट टुडे सेशन टुमारो ऑन माय यूट्यूब चैनल बत्रा सर, प्रोफेसर जेएस बत्रा। चलो बेटा आगे चले। गीतिका स्टे इन द क्लास, अगला सवाल कर रहे हैं आपसे हो जाएगा, आपने पिछला कर रखा है तो बेटा आज वाला आपसे हो जाएगा, स्टे इन द क्लास, आपको कुछ नया मिलने जा रहा है। चलो सर अगला सवाल करा दो। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, स्क्रीन पर ये रहा बेटा, ड्रॉ द प्रोग्राम फ्लो चार्ट टू एड फर्स्ट 100 नंबर, ड्रॉ द फ्लो चार्ट फॉर एडिंग फर्स्ट 100 नंबर। तो बेटा इसका एनालिसिस मैं लिख के बता देता हूं, आपको केवल बनाना है, इसका एनालिसिस होगा सम इक्वल टू 1+2+3+4 अप टू 100 तक। सर ऐसा क्यों, पिछले वालों में तो दो दो से आप आगे बढ़ते थे, इसमें आप एक एक से क्यों बढ़ रहे हैं, कौन मुझे बताएगा, इसमें मैं एक एक से क्यों बढ़ रहा हूं, पिछले वालों में दो दो से क्यों बढ़ा था। अरे सर पहले वाले सवाल में आपने ऑड और इवन कहा था, हर ऑड और इवन में कॉमन डिफरेंस 2 का होता है। सर अब आप कह रहे हैं कंटिन्यूस सीक्वेंशियल नंबरों को जोड़ो, उनमें कॉमन डिफरेंस 1 का होता है, इसलिए सर इतनी सी बात पूछ रहे हैं आप हमसे, इतना तो हमें भी पता है सर। तो हम बनाएंगे सम इक्वल टू 1+2+3+4+5 अप टू 100, फटाफट से पहले बनाओ एल्गोरिथम, फिर बनाओ सारे बच्चा लोग टेबल, और फिर बनाओ बच्चा लोग फ्लो चार्ट, आपका टेस्ट है। अभी मैं चेक करता हूं बेटा आप में से कितने लोग इसको सही बना पाते हैं, मेरे पास सॉल्यूशन अवेलेबल है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर, फटाफट से बना लो ताकि मैं आपको दिखा सकूं व्हाट इज द करेक्ट वर्जन ऑफ दैट। बेटा आपको जाना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर पे, और बेटा वहां पे आपको टाइप करना पड़ेगा बत्रा सर, जिसकी इनिशियल स्क्रीन आपको ऐसी नजर आएगी, सीपीटी फाउंडेशन और सब चीजें मिलती है। सर शुरू से बता दो। तो बेटा मैं शुरू से बता रहा हूं आपको, ये रहा बेटा गूगल प्ले स्टोर, ये रहा बेटा आपका गूगल प्ले स्टोर, और उस गूगल प्ले स्टोर पे बेटा अपन क्या लिखेंगे, इस पे क्लिक करना है, क्लिक करते बेटा आपके इंस्टॉल होने के लिए तैयार है, इसे बनाया डीजी बुक टेक्नोलॉजी ने, जो कि हिंदुस्तान की लीडिंग कॉपी किताब प्लेटफॉर्म की एक कंपनी है बेटा। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए मैं बता देता हूं बेटा आपको कहां पे है, बत्रा सर के पास, ये बत्रा सर के पास बेटा, ये रहा बत्रा सर का ऐप जिसकी इनिशियल स्क्रीन होती है ऐसी, सीपीटी फाउंडेशन और फ्री कोर्स अवेलेबल है। सर कहां जाना होगा आपके लिए, हमें बेटा इसमें बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है, फ्री रिसोर्स में आपको बेटा दिखाई देगा हमारा फाइनल का कोर्स, हमारी अमेंडमेंट बुक्स, हमारी ITSM और ये, और इसकी देखेंगे आपको शॉर्ट नोट्स, फिर बेटा नीचे देख रहे हो आप ई बुक देख रहे हो, स्टडी पैकेज देख रहे हो बेटा। ठीक है, उसके बाद आपको स्टोर दिखाई दे रहा होगा बेटा, स्टोर दिखाई दे रहा होगा, स्टोर पे क्लिक कर दे, सेल लिखा हुआ आ रहा है,
देखो देखो सीए फाउंडेशन नजर आ रहा है, अदर नजर आ रहा है, अदर्स पे आप जाइए, फाउंडेशन के बाद अदर्स पे जाइए, स्क्रॉल करके नीचे आइए, बत्रा सर मिलेगा आपको लिखा हुआ, बत्रा सर पे क्लिक करेंगे अपन। बत्रा सर पे क्लिक करते ही बत्रा सर की सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। हमने सीए फाउंडेशन से लेके सीए फाइनल तक सारी चीजें इसमें रख रखी है बेटा, देख रहे हो आप, इसमें ऑल दिख रहा है, ई बुक दिख रहा है बेटा आपको, हमारे सारे वीडियोस दिख रहे हैं बेटा आपको, हमारी सारी टेस्ट प्रिपरेशन दिख रही है बेटा आपको, सारी चीजें 100 रुपीज के आसपास ही आपको नजर आ रही है, सारी चीजें आपको 100 रुपीज के आसपास ही नजर आ रही है बेटा, देख रहे हो आप, 71 रुपीज में तो आपको हमारे वीडियोस मिल रहे हैं, इंडिविजुअल वीडियोस बेटा, टेस्ट प्रिपरेशन मिल रहा है बेटा आपको हमारे, अपने नॉलेज को चेक करने के लिए कितने 46 रुपीज में बेटा, और आपको ई बुक्स हमारी चाहिए बेटा जो मैं बता रहा था अभी आपको, तो वो अवेलेबल हो जाएंगे आपको बेटा 141 रुपीज में, ओल्ड और न्यू कोर्स की बेटा, और इसी तरीके से बेटा सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी, आप आज ही विजिट करें इसे, सारी चीज अवेलेबल है। ये फ्लो चार्ट के नोट्स आप देख रहे हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं बेटा आपको, ये करीब 70 रुपीज में आपको अवेलेबल है, सेल में बेटा 29% ऑफ है अभी, और ये हॉट आइटम है बेटा हमारा जो इस समय सारे बच्चे खरीद रहे हैं। सो दिस इज आवर लेक्चर, दिस इज आवर टूर ऑफ आवर बत्रा सर ऐप। चलो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं बेटा, देखो ये रहा आपका एल्गोरिथम, सब लोग चेक कर लो, स्टार्ट CAWL सम इक्वल टू 0 नंबर इक्वल टू 1, ठीक है, उसके बाद सम इक्वल टू सम प्लस नंबर SS, फिर नंबर इक्वल टू 100, स्टॉपिंग कंडीशन इस बार 100 होगी, ना 199 होगी ना 200 होगी, स्टॉपिंग कंडीशन इस बार 100 होगी, देन प्रिंट सम एंड स्टॉप, फिर नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1, इस बार एक से बढ़ेगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 का नहीं है, इस बार हमारे पास में एक से ही बढ़ेगा, बात आ गई सबको समझ में बेटा। उसके बाद गो टू स्टेप 4 कर देंगे, टेबल आपने ठीक बना ली होगी, अब आ जाओ बेटा फ्लो चार्ट देख लो सारे लोग, आओ बेटा सारे लोग फ्लो चार्ट को चेक कर लेते हैं अपन। फर्स्ट स्टेप इन द फ्लो चार्ट इज स्टार्ट, सेकंड स्टेप इज CAWL, थर्ड इज सम इक्वल टू 0 नंबर इक्वल टू 1, फोर्थ इज सम इक्वल टू सम प्लस नंबर, फिफ्थ इज इफ नंबर इक्वल टू 100 यस करेगा तो प्रिंट करके हम स्टॉप कर देंगे, स्टॉप की जगह आप बच्चा लोग सारे लोग यूज करो एंड, है ना, कि कोई भी स्टॉप यूज नहीं करेगा क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अब स्टॉप की जगह एंड को प्रेफर करना शुरू कर दिया है, तो हम भी एंड लिखेंगे, नो करता है तो नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1 करके ऊपर ले जाएंगे। तो ये था बच्चा लोग सारा सॉल्यूशन, आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को पूरा सवाल समझ में आ गया होगा, ये रहा बेटा पूरा सॉल्यूशन आपके सामने स्क्रीन पर, आप चेक कर ले, अगर आपका बिल्कुल ठीक है तो फटाफट से थंब लगा लो, फटाफट से थंब लगा लो बेटा, आज की क्लास को हम यहीं पे फिर फिनिश करते हैं। सो मुझे लगता है सारे बच्चों को समझ में आ गया, सबका करेक्ट भी है, जल्दी से लिख दो, तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं बेटा, फटाफट से लिख दो। निकुंज ने कह दिया, गीतिका ने कह दिया, श्रावणी ने कह दिया, पूनम ने कह दिया, दिलीप का है, दिलीप का है, दिलीप का है, विनय ने कह दिया, दिलीप का है, दिलीप ने कह दिया, और कौन बच गया, फटाफट लिख दो, फटाफट लिख दो, सारे बच्चे लिख दो, भार्गवी ने लिख दिया, अरे क्या बात है। तो आप बेटा फ्लो चार्ट समझ गए, हमने 3 सवाल मैथमेटिक्स के कराए, अब इसकी प्रैक्टिस कर रही है बेटा आपको, और आज ही हमारी साइट www.copykitab.com और हमारे बत्रा सर ऐप को डाउनलोड कर लेना है, सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी बेटा, फ्री टेस्ट सीरीज भी है वहां पे, फ्री नोट्स भी वहां पे, और आप चाहे तो उनसे परचेज भी कर सकते हैं, हम स्कीम भी दे चुके हैं आपको नवंबर और मे 21 के लिए, केवल 199 पे बत्रा सर के सारे लेक्चर अवेलेबल आपको इंक्लूडिंग बुक्स। सो बेटा आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं, अगली बार मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को, फ्लो चार्ट की अगली कैटेगरी बिजनेस कैटेगरी से शुरू करेंगे, आप एक चीज सीख चुके हैं मैथमेटिकल, अगली बार बिजनेस लेंगे, फिर एरे लेंगे और कुछ सवालों को हम करेंगे। सो फॉर टुडे आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू फॉर कमिंग इन लार्ज नंबर्स एंड गिविंग योर लव एंड सपोर्ट टू कॉपी किताब एंड बत्रा सर। बेटा अगर ये सारी चीज आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल पे प्यार दीजिए, हमारे ऑफिशियल चैनल, हमारे ऐप को प्यार दीजिए, डाउनलोड करिए, दूसरे बच्चों तक फैलाइए, उस पर फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जिससे आप ESSM ITSM को पढ़ सकते हैं और यूज कर सकते हैं बेटा। सो थैंक यू बेटा, कमिंग इन लार्ज नंबर्स, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड, एंड बेटा अगर हमारे को आपका आपको हमारा ये वर्क कॉपी किताब का काम पसंद आ रहा है तो उसके शेयर करिए लार्ज नंबर में, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग अदर्स। थैंक यू वेरी मच बेटा।